वो रहा गंगा ट्रांस सिटी का ऑफिस। चलिए मैं आपको कुछ झलक दिखा देता हूँ गंगा ट्रांस सिटी के ऑफिस की। ये देखिए, ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है गंगा ट्रांस सिटी, और काफी बोर्ड लगे हुए। ये रही वो रोड, ये देखिए रोड A11, सॉरी रोड नंबर A4। यहाँ धूल बहुत है तो मैं अपना शटर बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि धूल मेरी आंखों में जाए, मेरी वाट लगे। वैसे वहां जाने का रास्ता उधर ही है। अरे यार, गिट्टी वाली रोड, ये देखिए, ये है गंगा ट्रांस गिट्टी का लेटेस्ट अपडेट। मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पे ऑफिस की तरफ, अगर मुझे कोई बंदा मिल जाए तो वेल एंड गुड। मैं यहाँ पर कुछ अपडेट्स आपको दिखा दूंगा और कुछ बातचीत भी करवा दूंगा। मुझे कोई रूट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही उस तरफ जाने के लिए। वैसे ये काफी चीज डेवलप कर रहे हैं, काफी चीजें डेवलप हो रही हैं। गिट्टियां डाल के रख दिए हैं भाई, काम भी तो करो। और ये रही गंगा ट्रांस सिटी। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं उधर जाके दादू से कुछ बात करूंगा, देखूंगा यहाँ का स्टेटस क्या है। यहीं से कूदता हूँ। ठीक है, मैं नॉन, यस ये मैं नॉन है नाली। मैं हूँ उस समय गंगा ट्रांस सिटी के अंदर, और रोड्स भी बन गई हैं, मेन होल्स का भी लगभग लगभग काम ठीक ठाक हो रहा था जब तक योगी सरकार नहीं आई थी, और लाइट्स का भी काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश सरकार का ये प्रोजेक्ट योगी सरकार कंप्लीट होने देगी। अब इस सियासती लड़ाई में नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक का होता है। ये तो अपने बड़े बड़े घरों में इसी के अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन मरता मरती आम पब्लिक ही है।